द सॉलिट्यूड टॉक्स, जहां हम ढूंढेंगे जीवन जीने के नुस्खे लाइफ स्कॉलर्स के साथ, जहां हम खुद को दे पाएंगे सहज जीवन का एक नया अवसर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम साकेत है और हम एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं, द सॉलिट्यूड टॉक्स, जहां हम कुछ ऐसे इंस्पिरेशनल लीडर्स जिनकी लाइफ इटसेल्फ इज अ स्टोरी वर्थ टेलिंग से कुछ टिप्स लेंगे कि इस जीवन को कैसे सार्थक बनाया जाए। उनकी लाइफ में इतने सारे उतार चढ़ाव आए हैं और उन्होंने उन्हें किस तरीके से जिया है, उससे हम कैसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, ये हमारा इंटेंट रहेगा। आज हमारे बीच है वन ऑफ द मोस्ट रिनॉन्ड स्पीकर्स इन दिस कंट्री, हु नीड्स रियली नो इंट्रोडक्शन, सी एस पी भारत जी। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन आर सीजन वन, एंड योर लाइफ इटसेल्फ इज सो मच ऑफ अ जर्नी फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न फ्रॉम। सो लेट्स कम स्ट्रेट टू अवर टॉक्स। यू नो, वी आर गोइंग टू हैव सम वेरी इंटरेस्टिंग सेट ऑफ क्वेश्चंस कमिंग योर वे। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है अबाउट द जर्नी ऑफ लाइफ। यू नो, हर इंसान की एक स्टोरी होती है और टिपिकल वो स्टोरी में एक ग्रैंडफादर होते हैं जो दुनिया में आते हैं, जो अपना एक वर्चस्व बनाते हैं, अपना बिजनेस बनाते हैं, एक प्रोफेशन बनाते हैं। फिर उन ग्रैंडफादर का एक बेटा होता है या बेटी होती है, वो अपना एक वर्चस्व बनाती है, फिर उनका एक बेटा या बेटी होती है, एंड ऐसे जनरेशन चलती जाती है। सो इंसान माउंटेन चढ़ता है, फिर माउंटेन उतरता है, फिर माउंटेन चढ़ता है, फिर माउंटेन उतरता है, और लाइफ एक दिन ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। इज दिस लाइफ ऑल अबाउट, और देर इज़ सम मोर मीनिंग टू लाइफ, राइट? क्या मैं पैदा होऊंगा, पढ़ाई करूंगा, प्रोफेशन करूंगा, पैसे कमाऊंगा, उसको सेव करूंगा, फिर उसे इन्वेस्ट करूंगा, फिर उसको वेल्थ बुलाऊंगा, और फिर मैं रिटायर हो जाऊंगा, और फिर मैं एक दिन मर जाऊंगा, एंड देर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ इट, मे बी दिस इज़ वॉट लाइफ इज़ ऑल अबाउट, बट देर इज़ समथिंग मोर टू लाइफ। साकेत, लाइफ में सबसे पहले एक पर्पज होना चाहिए। अगर पर्पज लाइफ का नहीं है तो हमारी ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि जैसे एक फुटबॉल है जो पिचक गई है, जिसकी हवा निकल गई है और वो सिर्फ लुढ़क रही है, और मैक्सिमम लोगों की ज़िंदगी ऐसी हो जाती है। दादाजी हैं, पिताजी हैं, बेटा है, सब चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, जैसा तुमने कहा। इसका मतलब ये है कि जहाँ ढलान मिल गई वहाँ चले गए, जहाँ मौका मिल गया वहाँ लुढ़क गए, जिसने धक्का मार दिया वहाँ चले गए। लेकिन अगर पर्पज ऑफ लाइफ डिफाइन नहीं है तो हम ऐसे ही होंगे। लेकिन जो फुटबॉल एकदम भरी हुई है हवा से, फुल ऑफ एयर है, उसे पता है कि उसे वहाँ गोल करना है। तो अगर 15 खिलाड़ी हैं, 20 खिलाड़ी हैं, 25 खिलाड़ी हैं, वो सिर्फ उस फुटबॉल के साथ ऐसे खेलते हैं जैसे उसका गोल होना है। हमारी लाइफ इसलिए बेकार हो जाती है क्योंकि उसमें कुछ पर्पज नहीं है। हमारे पास पर्पज नहीं है तो कोई प्लान नहीं है। प्लान नहीं है तो इसका मतलब ये है, इफ़ यू डोंट हैव एनी प्लान देन यू हैव टू प्लग इन समबडीज प्लान। आप लिफ्ट में जा रहे हो, आपको 15वीं मंजिल पे जाना है, आपने अगर 15 फ्लोर नहीं दबाया तो कोई आपको 11 पे खींच लेगा, कोई 4 पे खींच लेगा, कोई 25 पे खींच लेगा, क्योंकि आपके पास कोई प्लान नहीं है। इसलिए ये तो ठीक है, हर एक आदमी पैदा होता है, खाता है, कमाता है, फिर एक दिन मर जाता है, ये ज़िंदगी नहीं है। पहले पर्पज डिफाइन होना चाहिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ। और जब पर्पज डिफाइन हो जाएगा तो आपकी प्रायोरिटी सेट होगी, और जब प्रायोरिटी सेट हो गई तो पूरे लाइफ के एक्शन उस डायरेक्शन में जाएंगे। और जिसकी ज़िंदगी में प्रायोरिटी सेट नहीं है वो पैदा होते ही फेल है, और प्रायोरिटी सेट होगी पर्पज से। तो अल्टीमेटली बॉटम लाइन ये है कि पहले डिसाइड करो पर्पज ऑफ लाइफ, और वो हर एक का पर्पज अलग अलग हो सकता है, उस पर अलग से बात करनी होगी किसका क्या पर्पज है, पर्पज ऑफ लाइफ। और जब पर्पज ऑफ लाइफ डिसाइड हुआ तो प्रायोरिटी होगी, प्रायोरिटी होगी तो एक्शन होगा। उसके बाद आदमी की सक्सेस तो डिसाइडेड है, और सक्सेस के मीने मायने भी तभी होते हैं जब उसका पर्पज डिफाइन है। दिस इज माई पर्पज। अब वही इसी पे डबल क्लिक करते हैं कि ये ट्रू पर्पज है क्या। महात्मा गांधी का एक पर्पज था, मदर टेरेसा का एक पर्पज था, माइकल फेल्प्स और माइकल जॉर्डन का भी एक पर्पज था, बट एक्चुअली इज दैट अ ट्रू पर्पज? Whether seeking freedom for the country was the right purpose for Mahatma Gandhi, it's debatable. Yes. हम मान ही जाते हैं, right? But सही मायने में, you know, इसको अगर थोड़ा सा spirituality से जोड़ दिया जाए, you know, because ultimately जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, तो उस जन्म में ये purpose of gaining freedom for my country or being the best swimmer in the world is also that a true purpose? क्योंकि उस logic से तो businessman कह सकता है भाई मेरा purpose है पैसे कमाना, and I'm living a happy life, what's wrong with it? But that again brings you the
to the question, is this what life was meant for me? Right. So, true purpose कैसे ढूंढने इंसान? True purpose ढूंढने के लिए सिर्फ तीन questions के answer ढूंढना आज की रात अपने आप के साथ। और पहला question है, मैं कौन हूँ? मैं आंसर नहीं दे रहा हूँ, मैं क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूँ। आंसर आपको ढूंढना है अपना पर्पस डिफाइन करने के लिए। मैं कौन हूँ, कौन मैं अल्टीमेटली, हु एम आई? दूसरी बात, मैं आया कहाँ से हूँ? और तीसरी बात, मुझे जाना कहाँ है? अगर ये तीन बातें आपने इसके आंसर ढूंढ लिए तो आपका पर्पस ऑफ लाइफ डिफाइन हो गया। अब मेन पर्पस ऑफ लाइफ एंड सेकेंडरी पर्पस ऑफ लाइफ। मेरा मेन पर्पस ऑफ लाइफ ये है कि मैं इस मनुष्य भव में आया हूँ तो मुझे इसको समझना है, जानना है, मुझे इसकी स्पिरिचुअलिटी एंगल से मुझे देखना है और मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मुझे पूरा करना है। द सेकंड पर्पस ऑफ लाइफ ये कि अरे ज़िंदगी जीनी है तो अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए जो मेरी चॉइस है, जो मेरी इच्छा है, मैं मुझे जो पसंद है, जिसमें मैं थ्रिल होता हूँ, मुझे वैसी ज़िंदगी जीनी है। उसके लिए मुझे जो भी लौकिक में करना है, जो भी मुझे संसार में करना है, वो मुझे करना है। लेकिन वो फर्स्ट पर्पज ऑफ लाइफ इज मेन इंपॉर्टेंट एंड सेकेंड पर्पज ऑफ लाइफ इज ऑल्सो कि महात्मा गांधी को अगर मेन पर्पज ऑफ लाइफ वो था और सेकेंड पर्पज ऑफ लाइफ उनकी ज़िंदगी में था ही नहीं कि मुझे कैसी ज़िंदगी जीनी है, तो उन्होंने सेकेंड पर्पज ऑफ लाइफ को भी मेन में ही डायल्यूट कर दिया। और वो उन्होंने एक चद्दर ऊपर पहना, एक चद्दर नीचे पहना। वो एक चद्दर पहनना भी उनके पर्पज को ही डिफाइन करता था। वो कपड़े उनने पहने, चप्पल उनने पहनी, वो पदयात्रा की, वो उनने पर्पज के लिए की। एक क्रिकेटर है, उसको ये पता है कि मेरा पर्पज क्रिकेट खेलना है और सेकेंड पर्पज क्या है, पैसे कमाना है। तो वो जो सेकंड पर्पज में अगर उलझ गया नौकरी करने में, बिजनेस करने में, तो फर्स्ट पर्पज भूल जाएगा। लेकिन जिसको फर्स्ट पर्पज पे अटका हुआ है वो सेकंड नहीं भूलता। लेकिन अगर फर्स्ट पर्पज आपका स्पिरिचुअलिटी है तो सेकंड पर्पज उसका बहुत 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 डाइल्यूट हो जाएगा और वो उसको ही सपोर्ट करता हुआ होगा जो उसका फर्स्ट पर्पज है। इसलिए इन तीन क्वेश्चन के आंसर आज की रात ढूंढने होंगे। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ। एंड दैट इज समवेयर द ट्रू डेफिनेशन ऑफ पर्पज, राइट? इन अ वे, राइट? क्योंकि अगर मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, तो जो मैं बिहेव कर रहा हूँ शायद मैं उसी को मान लेता हूँ कि यही मैं हूँ। मैं बीच में रुकूंगा साकेत। जिनको ये तीन क्वेश्चंस के आंसर नहीं पता, वो ये कहते हैं जिंदगी ये है, खाओ पियो मौज करो ऐश करो, खत्म। किसने देखा मैं कहाँ से आया था, किसने देखा मैं कहाँ जाऊँगा, वो बहुत उथली बातें करते हैं। वो बस ऐसी करते हैं क्योंकि उनको सिर्फ खाना पीना मौज करना है, जिसे उन्होंने जिंदगी समझ रखा है, और अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे जाके वो बर्बाद होते हैं। थैंक यू, थैंक यू। तो इसी से हमारा एक थर्ड क्वेश्चन निकल के आता है, द थिन लाइन बिटवीन नीड्स एंड लग्जरी, राइट? ये हमेशा गोल पोस्ट जिंदगी का चेंज होता जाता है, क्योंकि हम नीड को रीडिफाइन करते जाते हैं जिस हिसाब से हम उस लग्जरी को अफोर्ड कर सकते हैं, राइट? एंड अल्टीमेटली यू नो दैट चेंज नेवर एंड्स, यू नो, सो देर इज ए पर्टिकुलर यू नो रेडियस ऑफ नीड्स which just gets mixed up with the radius of luxury, because somewhere you know the social comparison redefines my needs, right? और मैं वो luxury 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 के चक्कर में अपनी need को redefine कर देता हूँ कि अब मेरी need ये है। तो how do you identify the thin line between needs and luxury? साकेत, depend करता है individual व्यक्ति पर, हर person पर, कि मेरी need क्या है, मेरी luxury क्या है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो पहली बात तो ये है कि कंपैरिजन बंद करना चाहिए। अगर मैं प्लेन में जा रहा हूं तो पहले मेरी नीड ये थी कि मैं प्लेन में जाऊं जिससे मुझे समय कम लगेगा। जब मैं प्लेन में बैठ जाता हूं तो मैं सोचता हूं कि अरे यार, ये मैं इकोनॉमी क्लास में बैठा हूं, मैं बिजनेस क्लास में होता तो ज़्यादा अच्छा होता। इंपॉर्टेंट ये है, तुम बिजनेस क्लास इसलिए जा रहे हो क्योंकि कोई और दूसरा बिजनेस क्लास में बैठा है और तुम अपने आप में कॉम्प्लेक्स में जी रहे हो, तो ये तुम्हारा लग्जरी नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है, इसे ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें कहते हो कि यार मैं बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ इकोनॉमी में, मेरी कमर में दर्द होता है, इसलिए मुझे बिजनेस क्लास में जाना है, तो वो तुम्हारी फिर बिजनेस क्लास नीड हो गया। लेकिन तुम अगर ये कहते हो कि नहीं 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 मुझे अच्छा लगता है बिजनेस क्लास में, तो जो फ़र्क ड्रीम में और ग्रीड में है, इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस इन द ड्रीम एंड ग्रीड। ग्रीड में कोई सिद्धांत नहीं है, कोई फंडामेंटल नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई अचीवमेंट नहीं है। ड्रीम विद द वैल्यूज, विद द रीजन, विद द पर्पज। ग्रीड हैज नो पर्पज। तो जो फर्क ड्रीम में और नीड में है, ड्रीम में और ग्रीड में है, वही पर्पज होता है जब आप नीड में एंड लग्जरी में।
और अगर और थोड़ी सी बारीक जगह पर जाओ तो हम ये कह सकते हैं कि जिसमें आपको कंफर्टेबल आप अपने आप को महसूस करते हो विदाउट एनी कंपेरिजन, तो जब कंफर्टेबल महसूस करते हो तो वो आपकी लग्जरी है, और जो आप जिसके बिना जी नहीं सकते हो वो आपकी नीड है। नीड और लग्जरी के बीच का डिफरेंस तो हमने बहुत अमेजिंग इलस्ट्रेशंस के थ्रू समझ लिया, लेकिन जब इंसान एक मिड एज स्टेज पे होता है, यू नो वेदर ही सक्सेसफुल और फेलियर इज सेकेंडरी, ही जस्ट गोज थ्रू दिस एंटायर स्टेज ऑफ डिसीजन फटीग, यू नो विद सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन हिज शोल्डर्स, ही इज कॉन्स्टेंटली बींग पुल्ड इन टू मल्टीपल डायरेक्शंस टू टेक डिसीजन, एंड दैट लीड्स टू सम काइंड ऑफ फटीगनेस, एंड देन ही सीक्स द पाथ ऑफ मिनिमलिज्म, right? He just wants to declutter his life, and somewhere he is also trying to seek happiness. तो ये इंसान इस minimalism को कैसे adopt करे, right? You know, how does he just simplify his life? ये सब depend करता है इस बात पर कि उसका thought क्या है, वो सोचता क्या है, और अगर इन चीज़ों को attempt करने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि एक बार मैं 5-star होटल में रुका हुआ था और मैं नीचे आया और मुझे कुछ मूंगफली दिखाई दी और मैं ठेले पे खड़े होकर मूंगफली खरीदने लगा और मैंने मूंगफली खाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात यह है कि मेरे पास भूख लगी है, खाने के पैसे नहीं हैं और मुझे कहीं से 2 रुपये मिले और मैंने जाके मूंगफली खरीदी। एक्शन तो दोनों बार में एक सही है। एक बार में मैं अपने आप को बहुत महान समझता हूँ क्योंकि मैं 5-star होटल में रुका हुआ हूँ और मैं मूंगफली खा रहा हूँ और मुझे लगता है कि यार आई एम सो ग्रेट कि यार देखो आई एम एंजॉइंग, और दूसरी सिचुएशन में मुझे लगता है मैं इतने डिप्रेस में जाता हूँ कि आज ये दिन आ गए मेरे पास पैसे भी नहीं है, 2 रुपये किसी से उधार लिए हैं मैंने और मैं मूंगफली खा रहा हूँ। एक्शन तो एक ही है, लेकिन सवाल इस बात का है कि दोनों एक्शन के बीच में आपकी थॉट प्रोसेस क्या है। एक बच्चे को वो फटाके नहीं चला रहा है क्योंकि उसके पास में पैसे नहीं है दिवाली के दिन, और दूसरा व्यक्ति फटाके नहीं चला रहा है, दूसरा बच्चा वो इसलिए नहीं चला रहा है क्योंकि उसने स्कूल में पढ़ा था कि फटाके चलाने से हिंसा होती है। चला दोनों नहीं रहे, एक डिप्रेशन में है और एक अपने हाई वैल्यूज के साथ जी रहा है। सवाल इस बात का है कि अगर आप मिनिमलिस्टिक चीज़ों के साथ जी रहे हो तो उसके पीछे आपकी थॉट प्रोसेस क्या है। आपकी थॉट प्रोसेस ये कि मेरे पास नहीं है इसलिए मैं कर रहा हूँ, या मैंने छोड़ दिया इसलिए मैं कर रहा हूँ। जो भी हमारे साधु संत भगवान परमात्मा हुए हैं, सन्यासी हुए हैं, उनने छोड़ दिया है, छोड़ा है या छूट गया है, दोनों में फ़र्क है। तो जब आप अपनी ज़िंदगी के उस पड़ाव पर पहुंच जाते हैं और आपको ये लगता है कि यार ये जो सब चीज़ें हैं ना, ये मैं नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ, ये कुछ और हैं, मेरे से इनका कोई कनेक्शन नहीं है, कोई मैचिंग नहीं है। मैं अगर थोड़ी सी स्पिरिचुअल लैंग्वेज में बात करूँ तो मैं कहता हूं कि मैं एक जीव हूं और ये बाकी सब कुछ अजीब है, और जीव और अजीब का संबंध तो हो ही नहीं सकता। तो फिर वो चीज़ें छोड़ना नहीं पड़ती हैं, वे छूट जाती हैं, फिर उनसे डिटैचमेंट हो ही जाता है, डिटैचमेंट करना नहीं पड़ता है कि यार ये मैं हूं नहीं ना, ये मेरा नहीं है ना। आज कुर्ता मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पसंद आ रहा है, और जब कुर्ते में आज फट जाता है तो मुझे लगता है अरे यार ये तो मेरा नहीं है, क्या हुआ, अभी एक समय पहले तक तेरा था, एक समय बाद तेरा नहीं है। मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि कितना बढ़िया सफ़ेद कुर्ता मैंने पहना हुआ है, और जैसे ही ये बीच में दरवाजे में फट गया तो फिर वहाँ से तुम्हारे ऑफिस तक स्टूडियो तक आते आते मुझे डिप्रेशन में आ गया, मैं कह रहा है मैंने फटा हुआ पहना है। चीज़ तो वही है, कुर्ता वही है, जगह वही है, और एक जगह मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि उस वक्त भी मैं समझूँ ये मैं नहीं हूँ और जब फट गया तभी मैं समझूँ ये मैं नहीं हूँ, तो ऐसे आदमी को कौन दुखी करेगा। This is the important thing. Lovely. हमारा last question इस section में definition पे है, और वो definition जो मैं चाह रहा हूँ हमारे audience समझे, स्वतंत्रता, independence, right? हम जब बच्चे होते हैं तो हम लिखते हैं dependent on my parents. हम जब बूढ़े हो जाते हैं तब हम लिखते हैं dependent on my kids. You know, young kids. और जब मिडिल एज में होते हैं तब भी हम डिपेंडेंट हैं क्योंकि हमें अपने बच्चे संभालने और हमारे एल्डर संभालने, राइट? तो वॉट इज इंडिपेंडेंस अकॉर्डिंग टू यू? यू नो, क्योंकि इंसान हर स्टेज पे अपनी इस डिपेंडेंसी से आज़ाद नहीं हो पा रहा है. यू नो, समवेयर इज ऑब्लिगेटेड टू हिज वाइफ, समवेयर इज ऑब्लिगेटेड टू हिज पेरेंट्स, somewhere is obligated to his kids, or somewhere is just is obligated to the society or everyone else.
बड़ी स्वतंत्रता जो है यू नो इज अल्टीमेटली कणकण में जो स्वतंत्रता का जो कंसेप्ट है यू नो दैट्स द अल्टीमेट हैप्पीनेस. वितरागता इज अल्टीमेटली स्वतंत्रता. अब आपके रिकमेंडेशन में हाउ डज वन अचीव दिस इंडिपेंडेंस? साकेत, हम ये मानते हैं कि मैं बच्चे को ग्रो कर रहा हूँ और वो मुझ पर डिपेंडेंट है. हमें मानते हैं कि मैं बच्चे पर डिपेंडेंट हूँ क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ. यही हमारा भ्रम है और यही अज्ञान है. अरे भाई, तू ना बच्चे को, जब बच्चा पेट में था तब तुमने उसको क्या क्या केयर की? जब वो जब भ्रूण बन के 9 महीने का था, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रोथ उसने तब की ना, तब तुमने क्या किया? जब वो पैदा हो गया और पैदा होते ही जब वो बड़ा हुआ तो तुम्हें भ्रम शुरू हो जाता है कि इसको मैंने किया. तो तुमने अपने बच्चे को, तुम्हारा बच्चा 10 साल का है मान लो, तो 10 साल का बच्चे को तुमने कितने साल में 10 साल का किया? 10 साल में किया ना. तो तुमने क्या किया फिर? क्या किया तुमने? और जिसके माँ बाप मर जाते हैं वो ग्रो होता है कि नहीं होता है? ये भ्रम है और ये कर्तावाद की बुद्धि है कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, मैं करता हूँ. तू करना छोड़ देना एक बार, फिर देखते ना वो होता है कि नहीं होता है. ये कोई मेरा कुछ कर सकता है, मैं किसी का कुछ कर सकता हूँ, इस भ्रम को दूर कर दो तो स्वतंत्रता तो आ गई. तुम्हें स्वतंत्र, तुमने ये ओढ़ रखा है. मैंने ये ओढ़ रखा है कि मैं करता हूँ, जो हो जाता है उसे मैं मानता हूँ, मैं करता हूँ इसलिए मैं परतंत्र हूँ. जो हो जाने में से अपनेपन को हटा दे, अपने कर्तृत्व को हटा दो, अपनी अहम बुद्धि को हटा दो, तो जो वो बचा ना वो हुआ है और तुम भी स्वतंत्र हो गए और वो परदमे भी स्वतंत्र हो गया. तो करना कुछ नहीं है, चेंज कहीं कुछ नहीं करना है. वो भ्रम जो हो गया है उस भ्रम को दूर करना है, उस भ्रम को हटाना है कि यार ये मैं नहीं हूँ. बस जब आप मिरर को देख रहे हो तब आप मिरर, अगर अपने गाल के दाग को देख रहे हो तो आपको मिरर दिखाई नहीं देता, और जब मिरर को देख रहे हो तो गाल का दाग दिखाई नहीं देता. पर तीसरे आदमी को देखने में कुछ पता नहीं चलता, वो लगता है यार कांच क्यों दिख रहे हो आप. तो ऐसे ही जो क्रियाएँ हो रही हैं वे क्रियाएँ तो वैसी ही होती रहेंगी, लेकिन ये भ्रम हट जाएगा कि मैं इसका करता हूँ. जब ये भ्रम हट गया तो आप स्वतंत्र हो गए, वो स्वतंत्र हो गया, आपकी आकुलता खत्म हो गई. आकुलता है इसलिए कि मुझे लगता है मैं कर रहा हूँ और तू वो कर नहीं रहा है, वो अपने आप हो रहा है. और जब वो होने लगता है तो अपने आप को वहाँ से डिटैच करके दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है. तो पहले दिन से ही मान लो ना कि मैं कुछ करता नहीं हूँ. तो कण कण स्वतंत्र है. ये जो पेड़ पे हरा रंग है किसने किया? इस फूल पे लाल रंग किसने किया? कोई करने वाला है कहाँ? वो अपने प्रणवन से हो रहा है, अपनी योग्यता से हो रहा है. और ये बात अगर ध्यान में बैठ गई तो हम स्वतंत्र हो गए. हर द्रव्य स्वतंत्र है ये मान्यता हो गई, तो ना मुझे कोई दुखी कर पाया था, ना मुझे कोई कर पाएगा. मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है, विच इज यू नो अगेन अ वेरी कॉमनली यूज टर्म्स एंड हैज मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, धर्म. यू नो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज रिलीजन? आपके हिसाब से धर्म क्या है? तुमने क्वेश्चन तो छोटा सा पूछा, इसका उत्तर बहुत बड़ा है, पर मुझे कम समय में देना है. धर्म की अगर परिभाषा, यूनिवर्सल डेफिनेशन अगर मैं कहूँ तो वो ये है कि जो जिसका स्वभाव है वो उसका धर्म है. स्वभाव ही धर्म है. एग्जाम्पल के लिए पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता. तो शीतलता पानी का धर्म है. अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता. तो वो उष्णता अग्नि का स्वभाव है. तो गाड़ी का स्वभाव क्या है? चलना. तो वो चलना उसका स्वभाव है. अगर पानी गर्म हुआ है तो वो स्वभाव के विपरीत है, वो विभाव है. अगर अग्नि ठंडी हुई है तो उसके स्वभाव के विपरीत है, वो विभाव है. गाड़ी अगर खड़ी हुई है तो अपने स्वभाव के विपरीत है, वो उसका विभाव है. ऐसे ही इस जीव का स्वभाव क्या है? क्रोध इसका स्वभाव नहीं है, शांत रहना इसका स्वभाव है. अगर वो क्रोधी है तो विभाव है, और शांत है तो उसका स्वभाव है. जैसे पानी को कुछ मत करो, गर्म पानी को कुछ मत करो, ठंडे पानी को कुछ मत करो, तो पानी अपने आप शीतल हो जाएगा. ऐसे जीव को कुछ मत करो तो ये शांत रहेगा. तो इसी बात पे एक रैपिड फायर पूछते हैं आपसे. हाँ, इसे मैं पूरा कर लेने दो जरा. तो वो शांत रहेगा. तो वो जो जीव का स्वभाव, जैसे क्रोधादि परिणाम नहीं है, क्रोध मान माया लोभ ये अहंकार हिंसा झूठ चोरी कुशील वगैरह नहीं है, लेकिन इसने अपने इन परिणामों को एडॉप्ट कर लिया है. ऐसे ही जीव का परिणाम, जीव का
स्वभाव करना धरना नहीं है, इसने भ्रम के कारण करता धरता है, उसका स्वभाव जानना देखना है। तो इसी तरह जैसे पानी का स्वभाव शीतल है, पानी का धर्म शीतलता है, तो ये जीव का स्वभाव, जीव का धर्म जानना देखना है, करता धरता नहीं है, ये मेरा धर्म है। और धर्म क्या है? जानना देखना है। तो इसे कहते हैं जो वस्तु का स्वभाव है वो उसका धर्म है। तो मेरा स्वभाव क्या है? जानना देखना है। मैं ज्ञान हूं, मेरा काम क्या है? जानना है, बात खत्म, फिनिश, दैट्स इट। और मैं करता क्या हूं? दुनिया की सारी पंचायत करता हूं। तो जानने के अलावा जो मैं करता हूं वो अधर्म करता हूं, जो जानता हूं वो धर्म कर रहा हूं, वो परिभाषा है। ये बाकी जो बट गए हैं ये तो जाति संप्रदाय दुनिया भर की पंचायतें हैं, और इससे इस धर्म की शब्द से उस परिभाषा से ये यूनिवर्सल स्रोत है, जैसे सूरज पूरब में उगता है। इसके लिए किसी का कोई संबंध ही नहीं है कि कौन से धर्म की बात है कौन से नहीं है। धर्म का मतलब उसका स्वभाव। बस हम कहते हैं ना घर में कि अगर वो पत्नी थोड़ी छोटी बात पे चिड़चिड़ा रही है, चिड़चिड़ा रही है और माँ परेशान हो रही, तो मैं माँ से कहता हूँ कि माँ तू परेशान मत हो, इसका स्वभाव ही ऐसा है, ये है ही ऐसी। तो जब आपको पता लग जाता है ये है ही ऐसी, जब आपको पता लग जाता है स्वभाव ही ऐसा है, तो फिर आपको पीड़ा नहीं होती, तकलीफ नहीं होती। आपको पता है ये बच्चा जो है ना खिलौना देखेगा रोएगा, तो फिर जो खिलौने की दुकान से क्रॉस होते हो वो रोता है, तो आपको पता होता है प्रिय जंक्शन है ना, रोएगा, उसका स्वभाव है, छोड़ दो। अगर आपको पता नहीं है इसका ये स्वभाव है तो आप इरिटेट होते हो, आप परेशान होते हो, गुस्सा करते हो, थप्पड़ मारते हो। जब पता लग गया एक बच्चा पागल है, वो कुछ भी हरकत करता है, तो आपको तकलीफ होती है? नहीं होती, क्योंकि आपको पता है ये पागल है, इसका स्वभाव ऐसा है, इसे करने दो जो करना है। तो ऐसे ही अगर मुझे पता लग जाए कि मेरा स्वभाव जानना देखना है, मुझे पता लग जाए जितने संयोग हैं इन सबका स्वभाव वियोग में कन्वर्ट होना है, तो कौन दुखी करेगा? कोई होगा नहीं, संयोग है वियोग होना ही है, ये निश्चित है, ये स्वभाव है उसका। तो अगर मैंने स्वभाव समझ लिया, उसका नाम धर्म है, तो मैं जिस जिसका स्वभाव समझ लूंगा उससे मुझे निराकुलता हो जाएगी, और मैं अपना स्वभाव समझ लूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अभी के लिए इतना ही। आई थिंक दीज फोर शॉर्ट क्वेश्चंस आर यू नो एन अल्टीमेट कंक्लूजन टू लिव अ गुड लाइफ। ऐसे ही कुछ हम स्मॉल बाइट्स आपके लिए लाते रहेंगे इन विद्वानों के थ्रू। आई होप इट वॉज यू नो इन अ वे यू नो बेनिफिशियल फॉर यू एंड इन हैबिट ऑफ हेल्पिंग टू लिव अ गुड लाइफ। थैंक यू सो मच।